हिमाचल की खतरनाक सड़कों पर ड्राइविंग करना सबके बस की बात नहीं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के चालक की स्किल्स काबिले तारीफ है, क्योंकि दोस्तों वे उन रास्तों पर भी बस चला लेते हैं जिन पर पैदल चलते हुए भी बंदा थर थर कांपने लगता है। इस क्लिप में देखा जा सकता है कि कैसे निगम का ड्राइवर एक तरफ पहाड़ी तो दूसरी तरफ खाई वाले रास्ते पर बस चला रहा है। हालांकि इस सफर में बहुत लोगों की जान खाई को देखकर गले में अटकी रहती है। यह वीडियो देखकर कमजोर दिल वालों की तो सांसें बढ़ जाएंगी। खतरनाक पहाड़ी सड़क से गुजरती बस के रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो ने लोगों को डरा और मंत्रमुग्ध कर दिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम स्थापना के 50वें साल में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद निगम ने एक प्रतियोगिता का भी ऐलान किया था। इसमें बस अड्डों, बसों से जुड़े फोटो और वीडियो प्रबंधन को भेजने थे। बेहतरीन वीडियो भेजने वालों को नकदी इनाम दिए जाने की घोषणा भी हुई थी, जिसके बाद हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस प्रतिस्पर्धा में पहला स्थान हासिल करने वाली इस खतरनाक वीडियो को शेयर किया है। वीडियो की शुरुआत में बस को पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए दिखाया गया है। बस के सामने बहते झरने से घिरी खतरनाक सड़क यात्रा को और जोखिम भरा बना देती है। उसके एक और पहाड़ है तो दूसरी और खाई, लेकिन बस का ड्राइवर बड़े आराम से बस को चलाए जा रहा है। हमें यहाँ बैठकर ही डर लगता है कि भला इतने खतरनाक रास्ते में बस कैसे चलाई जा सकती है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों से हिमाचल के लोगों का एक अलग ही नाता है। यहाँ के लोग निगम की बसों पर भरोसा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।